आज बिहार में वर्तमान परिस्थिति में नियोजित शिक्षकों के व्यथा समस्याएं काफी है। आज नियोजित शिक्षक दर्द को लेकर कराह रहे हैं। शिक्षक की विभिन्न मांगों को गुंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही है, एक साजिश कर रही है। नियोजित शिक्षकों के साथ बिहार सरकार लगातार साजिश पे साजिश कर रही है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट का मामला हो या हाई कोर्ट का मामला हो, ईपीएफ का मामला हो, सेवा स्थानांतरण का मामला हो या कोई और मामला हो, बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ हमेशा साजिश करती आ रही है। एक हमारे शिक्षक साथी ने एक शिक्षकों के व्यथा को लेकर एक बहुत ही सुंदर सी कविता लिखा है। मैं उन सज्जन का नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन वह कविता मुझे काफी दिल को छू गया, इसलिए मैं इस कविता को आपके बीच मैं सुनील कुमार बॉबी पेश करने जा रहा हूं। जब शिक्षक की बदहाली होगी क्या जल जीवन हरियाली होगी, जब शिक्षक की बदहाली होगी क्या जल जीवन हरियाली होगी, बच्चे राष्ट्र के भाग्य विधाता, शिक्षक इनके हैं निर्माता। शिक्षा और संस्कार पाठन भी, शिक्षा और संस्कार पाठन भी सब कुछ शिक्षक है करवाता, जब पेट इन्हीं की खाली होगी क्या जल जीवन हरियाली होगी। 5 साल पर आने वाले लूट के पेंशन लेते हैं, 5 साल पर आने वाले लूट के पेंशन लेते हैं, जो 60 साल तक सेवा करते, जो 60 साल तक सेवा करते उनको टेंशन देते हैं। मांगे जब अधिकार सत्ता से, इनके मुंह पर गाली होगी क्या जल जीवन हरियाली होगी। शिक्षा से सरोकार नहीं किसे, शिक्षा से सरोकार नहीं किसे, शिक्षक को रौब दिखाते हैं, अपनी चेहरा चमकाने को शिक्षक को हरकाते हैं। शिक्षा के विरोधी मुंह पर जब नोटों की लाली होगी क्या जल जीवन हरियाली होगी। शिक्षा और शिक्षक के पैसे बांटे जब खैरात में, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलकर निर्णय बदले रात में, जनता को फुसलाने हेतु जनधन की बर्बादी होगी क्या जल जीवन हरियाली होगी। हट धर्म को त्यागो साहब, ये नीतीश कुमार के लिए है, बिहार के मुख्यमंत्री के लिए है। हट धर्म को त्यागो साहब, शिक्षक की फरियाद सुनो, एक स्वर में हर मांगों को मानो या फिर राज करो। हट धर्म को त्यागो साहब, शिक्षक की फरियाद सुनो, एक स्वर में हर मांगों को मानो और फिर राज करो। जब शिक्षक और शिक्षा मंदिर में, जब शिक्षक और शिक्षा मंदिर में हर तरफ खुशहाली होगी तब जल जीवन हरियाली होगी। दोस्तों आज बिहार के नियोजित शिक्षक आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर हमारी मांगे शीघ्र पूरा नहीं होता है तो बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे और दिखा देंगे कि अपनी मांगे किस प्रकार से मनाई जाती है। समय रहते अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हड़ताल और स्कूलों में तालाबंदी के साथ जेल भरो अभियान भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कविता को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।